सो आज से लगभग 50,000 करोड़ साल पहले हमने एक राइड की थी सांबर लेक की, जिसके अंदर हमने मोटो व्लॉग बहुत ही नाके बराबर डाला। तो उसका रीजन ये था कि इस बार मैंने मोटो व्लॉग बना तो लिया, बट जब मैं एडिटिंग करने बैठा, एक तो वॉइस की क्वालिटी बिल्कुल डाउन रिकॉर्ड हुई, बिल्कुल भी एनर्जी लेवल नहीं आ रहा था मोटो व्लॉग के अंदर। तो मैं अभी वही चेकिंग कर रहा था कि इस बार कहाँ कमी होगी माइक के अंदर। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे माइक लगाया हुआ है, ये माइक ज़्यादा अंदर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से वॉइस प्रॉपर अंदर जा नहीं पाई और अपना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ और मोटो व्लॉग हो गया खराब। तो एक काम करते हैं, आज इसको सेट भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं और नए माइक भी लेके आते हैं गोप्रो के लिए, जो बजट में आते हैं वही ये वाला माइक है। तो आपके साथ शेयर भी करता हूँ गोप्रो के लिए कौन सा बेटर माइक रहेगा हेलमेट के लिए, वो भी बजट के अंदर। तो काफ़ी सारे भाई लोग पूछते हैं कि हमारे स्पोक व्हील्स है, ट्यूब वाली बाइक है, तो उसके अंदर पंचर होने का चांसेस है, और अगर आप हिमालयन चलाते हो तो भाई पंचर को कैसे मैनेज करते हो। आज तक मैंने कुछ भी उसके अंदर यूज नहीं किया हुआ था, सिर्फ पंचर किट कैरी करता था, 2-3 बार पंचर हुआ था वो खुद ही बनाया है। बट आज से लगभग 10,000 करोड़ साल पहले जब हम ये कोविड आने वाला था ना, उससे पहले मेरे कंपनी के साथ हुआ था कोलैबोरेशन और उन्होंने भेजा था मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट जो पंचर होने से बचा सकता था। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं इसके अंदर है क्या चीज़। ये रहा प्रोडक्ट जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले आप देख लो ये टी शर्ट, आपको समझ आ जाएगा पढ़ के। ब्रांडिंग पूरी मैं आपको शो कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ ये पहले जो मेरा कोलैबोरेशन हुआ था उसके ऊपर गिव अवे भी था। पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तो ये सारे गिव अवे मेरी थे ऑल इंडिया राइड में, जिसमें लगभग 40-50 व्लॉग आने वाले थे और हर व्लॉग में मैं गिव अवे करने वाला था, ब्लूटूथ स्पीकर भी करने वाला था और ये वाला प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला एक्स की टी शर्ट है जो इस टाइम ऐसी लूज आ रही है, उस टाइम मैं मोटा हुआ करता था, आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले मैं मोटा था, उस समय ये टी शर्ट बिल्कुल फिट आ रही थी, बट आज अपना वेट हो चुका है कम। सो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, क्योंकि मैंने भी खोले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सो ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं पैकिंग में कुछ इस तरीके से आया है और चारों तरफ कुछ इस तरीके से है। इसको खोलते हैं अब, ये कुछ आया है, ये क्या चीज़ है, पेपर है, साथ ही में निकला है कुछ इस तरीके का जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये रोल ट्यूब एक्स। तो ये है क्या चीज़, नो आइडिया, अभी देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। सेकंड हमें ये निकला है पाउच ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रंट टायर। एक और पाउच है जिसके पीछे लिखा हुआ है रियर टायर। तो ये दो पाउच है जिनके अंदर कुछ लिक्विड टाइप का है, और निकली है ये एक छोटा सा टूल किट और लव लेटर। सो इस लव लेटर के अंदर क्या है वो भी देखते हैं। तो ये दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस कि कैसे कैसे यूज होगा और क्या क्या इसके फायदे हैं। सो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम ट्यूब के अंदर भर देंगे, उसके बाद एयर फिल कर देंगे, इनके सब राइड करते टाइम कोई भी कील वगैरह अंदर जाती है और निकल जाती है, यह हम बाद में भी निकालते हैं तो पंचर को लॉक कर देगा, मतलब हवा नहीं निकलेगी वहाँ, वो सील हो जाएगा पंचर। तो आज इसको हम यूज़ करेंगे अपने हिमालयन में, क्योंकि इस बार की जो राइड होने वाली है वो सोलो करने वाला हूँ, कोई सपोर्ट में नहीं होने वाला है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हमने नए टायर डलवा लिए हैं, पर यार पंचर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। बताता हूँ इस कंपनी के बारे में, जो कोलैबोरेशन हुआ था, बात हुई थी गिव अवे करने की, सिर्फ ओनली गिव अवे करने की बात हुई थी, लेकिन कोविड स्टार्ट हो गया, कोविड के बाद राइड कैंसिल हो गई, कन्वर्सेशन जो था वो भी ख़त्म हो गया और आज कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। यार मैंने सोचा अब जो हमारी बातचीत हो चुकी थी, अब वो चाहे आगे कंटिन्यू हो या ना हो, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो सकता है और मेरे लिए भी फ़ायदा हो सकता है। राइड पे जाने से पहले मुझे ये सारा काम करके जाना पड़ेगा, जितने भी गंदे कपड़े हैं ये सब कुछ वॉश करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि मैं कंटिन्यू रहूंगा व्लॉग के अंदर, बट कल मैंने व्लॉग नहीं डाला, उसका रीजन ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊं और रेगुलर डालूं। तो यार सच बताऊं, मैंने 2 दिन व्लॉग शूट किया और उसके बाद एडिट भी किया, एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है वीडियो की लेंथ लंबी होती है, उसमें से हमें कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट निकालना है, कितना एक्स्ट्रा बोला हुआ है वो भी हमें कट करना पड़ता है, तो उस चीज़ में भी बहुत टाइम लग गया और मेरी हालत होगी डाउन। इसलिए मैंने कल पूरा रेस्ट किया और सोचा कि अब नेक्स्ट डे व्लॉग शूट करके डालते हैं।
सो बेसिकली आजकल टुन्नू कंप्लेंट करने लग गया कि आप अकेले अकेले व्लॉग बना ले तो मुझे व्लॉग में दिखाते नहीं हो, एक ही बार दिखाया उसके बाद रिमूव कर दिया। तो ये है टुन्नू, जिन लोगों को नहीं पता ये मेरा वो साथी है जो मेरे को हर वक्त, मतलब जब मैं अकेला होता हूँ ना तो ये मेरे साथ रहता है हमेशा। तो आपको दिखा देता हूँ, कल मैंने व्लॉग में दिखाया था कि पैकेट तो आया बट मैंने उसके बारे में इंट्रो मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो मैंने ओपन कर लिया है, इसके अंदर जो चीज़ थी वो मैंने चेक भी कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रहा था, ये है जिंक कंपनी से और इसके अंदर मैंने ऑर्डर किया था, ये आप समझ ही गए होंगे जिंक कंपनी का है और इसकी डिटेल कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। सो ये 20,000 mAh का पावर बैंक है जो मैंने ऑर्डर किया था। अगर सोलर पैनल भी फेल हो जाता है तो मेरे पास एक्स्ट्रा पावर बैंक होने चाहिए। तो ये मैंने नया ऑर्डर किया था 20,000 mAh का। जो मेरा ये सैमसंग वाला फ़ोन है ये 2.5 टाइम बोले तो 2.5 टाइम ये चार्ज कर देगा, मैंने चेक कर लिया है कल पूरा दिन में। और टेस्टिंग करनी ज़रूरी है हर प्रोडक्ट की, इसीलिए जो मैं ये सोलर पैनल लेके आया था तो आज मैंने मतलब कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो ये सारा दिन मैंने इसको भी टेस्ट किया तो इसने भी ऑलमोस्ट 5 मिनट में मेरी 1% बैटरी चार्ज की थी। वेदर कुछ उसी टाइप का था जैसे पहाड़ों में रहता है, ठंडा, धूप आ रही है, जा रही है, तो 5 मिनट में 1% बैटरी चार्ज कर दी, तो डैट मीन्स कि पैसा वसूल है। अब जब हम लोकेशन पे पहुंचेंगे, साइड पे पहुंचेंगे, तब एक्चुअल परफॉर्मेंस पता लगेगी। एक चीज़ तो मैं भूल गया रेट बताना, ये मैंने लिया था 700 रुपये का। जो मैंने पावर बैंक आपको दिखाया वो मुझे 400 रुपीज़ का एक पड़ा है, तो मैंने 2 वो लिए। और जो ये मैंने पावर बैंक मंगाया था, सॉरी इस पावर बैंक भी मेरे को अच्छी डील में मिल गया 800 रुपये में अमेजोन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अभी कोलैबोरेशन में नहीं है, ये मैं खुद खरीद रहा हूँ तो नॉट स्पॉन्सर्ड। तो सबसे पहले बता दूँ ये वाला जो काम है कभी घर पर ना करें क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस इसके अंदर डालने का। ये फिर गिर गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हमें इसका बाल गोटी है, सबसे पहले तो इसकी हवा निकालनी पड़ेगी। मज़ा आता है हवा निकालने में पर ऐसा तो टाइम लगेगा। तो जो इसका टूल किट दिया उसके टूल किट के सामने ये खोलने का ऑप्शन है बाल गोटी को। ये तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, हवा तो निकल गई बट अपने पास ना पंप ही होना चाहिए। कभी पता लग रहा है घर में हवा निकालते उसके बाद सोच रहे कि अब हवा कहाँ से भरे, तो ये मेरे पास एयर पंप है तो वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा नीचे करूँगा मैं। ओ भाई ये तो मजाक नहीं है, ताकि मैं जब लिक्विड डालूँ तो वो इसकी नीचे की तरफ चला जाए, अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ करके डालता हूँ ना तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, फिर पूरा लिक्विड अंदर जाए ना जाए ये वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहाँ गया भैया फ्रंट वाला। ये कुछ इस तरीके की इसमें एक नलकी दी हुई है ट्यूब, तो ये पाइप कुछ मैंने इस तरीके से लगा दिया है और टाइट हो जा जितना टाइट हो सकता है मेरे भाई। और इसको इसके ऊपर लगा देते हैं, एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ क्या काम किया है। ये आप देख लीजिए, मैंने ये पाइप यहाँ लगा दिया और ये इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके बाद इसको उतारते हैं और लिक्विड को प्रेस करते हैं ताकि वो उसके अंदर जाए। ये देख रहे हैं लिक्विड जा रहा है उसके अंदर। सो लिक्विड को डालते हुए एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि ये एक बारी में नहीं जा रहा, डालते डालते स्टॉप हो जा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार इसमें बाल गोटी लगा के हवा भरनी पड़ रही है, फिर उसे निकाल के फिर दोबारा डालता तो फिर थोड़ा लिक्विड जाता है। मतलब 2-3 बार ये प्रोसेस कर चुका हूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए ना इसको डालते हुए, तो उसको हवा भरना, निकालना, फिर डालना, फिर हवा भरना, फिर निकालना, फिर डालना, तो इस तरीके से जाएगा। तो अभी इसमें मैंने हवा भर दी है, मतलब आपको पूरी हवा भरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कर रहा है ताकि वो लिक्विड जो है वो उसकी बाल गोटी पे चिपका ना रहे। यही वो लिक्विड है जो आपकी बाइक के टायर के अंदर जाएगा और पंचर को रिपेयर करेगा। अगर आपका ये पाउच 1 लीटर का है तो अप्रोक्स 850 ml तो इसके अंदर जाना चाहिए। लिक्विड डालते टाइम इस तरीके के क्लॉट्स आएंगे जिसकी वजह से क्या होगा वो बार बार रुक जाएगा, तो इसको निकालना भी थोड़ा सा टफ है, तो आपको बार बार हवा भरनी पड़ेगी फिर उसके बाद आपको डालना पड़ेगा। यही एक प्रोसेस है जो अभी तक किसी भी वीडियो में बताया नहीं है कि किस तरीके से डालना और क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। अब स्टार्ट करते हैं पीछे वाले टायर में डालना। हवा निकाल दी है, ये बड़ा पाउच है क्योंकि पीछे वाला बड़ा टायर है और ये इसके अंदर सिंपल कनेक्ट करना है, ईजी तरीके से कस देंगे। अब इसको थोड़ा इस बार मैं ध्यान से करूँगा क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ से फट गया था तो सारा लिक्विड इधर से निकलने लग गया, तो डालने में और ज़्यादा परेशानी हुई। लिक्विड अंदर नहीं जा रहा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है आपको, वरना पाउच फटने का भी चांसेस रहेगा आपको।
अभी देखिए इसमें ना क्लॉट आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है वो रुक गया, तो इस क्लॉट को निकालना पड़ेगा मुझे। ये देखिए जिसकी वजह से वो बार बार ना स्टॉप हो रहा है, तो अभी देखता हूँ अगर जाएगा तो अंदर ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को इसमें हवा भरनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा काम कर लूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाता है। अभी आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है, ऊपर से पार्किंग के अंदर एसी की मशीन लगी हुई है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हीटअप हो रहा है। वो बोलते हैं ना अगर एक बार काम कर लो ना तो दोबारा काम करने में दिक्कत नहीं आती है, तो आगे वाला टायर को भरने में आइडिया मिल गया कैसे कर रहा है, तो इस बार पीछे वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। सो इस बार कोई क्लॉटिंग नहीं है, बट फिर भी अंदर नहीं जा रहा, तो अब हमें हवा का एक बार प्रेशर मारना पड़ेगा। आपने देख लिया, बस मैंने थोड़ी सी देर के लिए ऑन किया ताकि प्रेशर चला जाए और रुक जाए। आगे वाले टायर में डालने से पहले थोड़ा सा वेस्टेज हुआ, बट पीछे वाले में कंटिन्यू मतलब चला गया, बस एक दो बार स्टॉपेज है, क्योंकि आइडिया हो गया ना कि इसमें कैसे डालना है। तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये आवाज़ गार्ड के बच्चों की आ रही, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी हो गया, बस इसमें हवा फिल करनी है, हवा भरते हैं फिर देखते हैं कि कहीं से कुछ वैसा लीकेज तो नहीं है, कभी बाल बोटी में से वापस निकल गया है। सो गाइज अपना काम खत्म हो गया, मतलब आज मैं ना दो व्लॉग शूट कर रहा था, एक कल के लिए और एक जो ये आप देख रहे हो। इस चक्कर में क्या हुआ, सारा टाइम निकल गया और निम्बस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, ये आपको कल वाले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो इस चक्कर में आज जो गोप्रो के लिए माइक लेने जाना था वो भी नहीं जा पाए, तो आप कोशिश करते हैं कि कल जाते हैं, कल लेके आएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा गोप्रो के लिए भी, और जो अभी निम्बस में प्रॉब्लम आ रही है वो भी क्या कर सकते हैं। अगर कल निम्बस ठीक हो जाती है तो कल ही रात को मैं सारा सामान उसमें लोड करूँगा। परसों अपना प्लान बताऊंगा, ये आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि परसों हम क्या करने वाले हैं, निकलने वाले हैं या फिर कोई और चीज़ का वेट करने वाले हैं। तो फार्मूला एक्स जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके खरीद लेना। कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, वीडियोस तो देखी है, कील ठोकी हुई है, निकाली हुई है, वर्क कर रहा है, अब मैंने ट्यूब के अंदर डाल तो दिया है। जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तभी पता लगेगा कि क्या ये रिपेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को ख़रीदना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके बाय कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। जिन भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। जो लोग पंचर से परेशान हो वो ये वाला लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और थी, क्या बोलने वाला था मैं, हाँ कुछ बोलने वाला था, भूल गया यार मैं, अरे कुछ तो था यार, मैं कुछ बोलने वाला था। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कर देना, और इसके बाद क्या, हाँ मेन चीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कितनी बार बोलना पड़ेगा आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे भाई लोगों, कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इतना लंबा चौड़ा लिंक दिया हुआ है, तो क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ फॉलो का बटन है, वहाँ जाके दबाओ, चाहे उसमें चम्मच मारो, चाहे घूसा मारो, चाहे फूल फेंक के मारो, चाहे अपना सर मारो, या कुछ भी करो, पर दबा दो, समझ गए ना, फॉलो का बटन दबा दो, और नीचे जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है वो भी दबा दो। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।